NU News, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NU News। इस वक्त मैं मुंबई के आरे कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आरे डेयरी है, इसी आरे डेयरी पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ तक इसके पहले भी हमने वीडियो चलाया था। आरे कॉलोनी के जो रोड है वो बहुत जर्जर स्थिति में हो चुके हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, आम पब्लिक को भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। और इस सिलसिले में बहुत से चैनल ने भी वीडियो चलाया हुआ है, लेकिन अभी तक इस रोड के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं आरे कॉलोनी में। यहाँ पे हमारे साथ में है सुनील कुमरे जी, जो समाज सेवक हैं और पहले इन्होंने आमदार का भी चुनाव लड़ चुका है। यहाँ से हम इनसे पूछना चाहते हैं यही कि इस बारे में, रोड के बारे में आपने, यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनको कितनी बार आपने सूचित किया है और इसके बारे में आपने कहाँ तक पत्र व्यवहार किया है, ये पूछते हैं इनसे। सुनील जी, ये बताइए कि ये जो आरे कॉलोनी का रोड है, इस रोड के बारे में हमने बहुत पहले भी वीडियो चलाया था और हमारे साथ में आपने जब भी भूमि विकास मंत्री सुनील चला दिया है वहाँ पे आपने उस रोड के बारे में भी चर्चा किया था। तो हम यही जानना चाहते हैं एनयू न्यूज के माध्यम से कि इस रोड के बारे में जो आपने वहाँ पे चर्चा किया था, तो उस पर आपको क्या आश्वासन मिला? हमने तो बहुत बार इस रोड के बारे में निवेदन दे दिया है, लेकिन दिन पहले आके भूमि विकास मंत्री आए तो उनसे हमने बात की। निधि की कमजोरता का कारण ये रोड नहीं हो रहा है कि कोविड के चलते कोई डिपार्टमेंट को निधि नहीं दिया जा रहा है, इसके चलते नहीं हो रहा है। लेकिन आप भी, हमने दुग्ध विकास मंत्री ने हमें आश्वासित किया हुआ है कि जल्द से जल्द ये रोड बन जाएगा और हम इसकी पहल PWD मिनिस्टर अशोक राव चौहान जी से भी हम लोग कर रहे हैं, हमारा फॉलोअप चालू है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और बहुत से लोगों का कंप्लेंट है आरे वासियों का, और यहाँ तक कि बीच में हमने न्यूज चैनल चलाया था, न्यूज में दिखाया था, तो ये बताया गया था कि फंड की कमी है, लेकिन इसको पैच तो किया जा सकता है। अगर फंड की कमी है तो जहाँ जहाँ ज्यादा गड्ढे हैं उनको तो भरे जा सकते हैं। इसमें पैच करने से अच्छा हम लोग ने मांग की है कि ये रास्ता ही एक लेवल होना चाहिए। आपको मालूम होगा पैच करने से क्या होता है कि रास्ता कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए हमने मांग किया है कि ये रास्ता पूरा नया होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस रोड के बारे में जितना जल्दी हो सके, मतलब रोड बनना चाहिए कि अभी भी, मतलब इसमें वक्त लगेगा? नहीं, जल्दी से जल्द बन जाएगा। आपको आश्वासन मिला है? 101%। आप श्योर एकदम है कि मतलब बहुत जल्दी काम होने वाला है? श्योर है। यूनिट नंबर 5 से लेके मयूर नगर और यहाँ से 6 नंबर यूनिट से अब आते हैं मेरी तरफ, तो जल्दी से जल्द स्कोर हो जाएगा। ये हम क्योंकि हम भी सत्ते में हैं, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कांग्रेस से यहाँ पे विधायक भरा हुआ, तो हमारा ये फॉलोअप चालू है। और हमारे मिनिस्टर, हमने हमको आश्वासित किया कि जल्दी से जल्द हम लोग, बहुत से लोगों से हमने वार्ता किया और रोड के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि सुनील कुमरे जी से बात हुई है। तो अभी जो रोड का जो कंडीशन है, यहाँ पे जो दुग्ध विकास मंत्री आए हुए थे केदारनाथ जी, उसके बाद से ये मुख्य विकास अधिकारी जो है, कार्यकारी अधिकारी नस्तू राठौर जी, तो इनसे भी बात हुई थी क्या? नहीं, हमने तो अभी फॉलोअप किया हुआ है, उनको लेटर दिया है, उनसे बात हो गई है, हमारी होती रहती है। उन्होंने भी PWD को प्रस्ताव दे दिया है कि जल्दी से जल्द रोड बनाओ। ओके, तो ये थे सुनील कुमरे जी, इनका कहना है कि बहुत जल्दी 5 नंबर मार्केट से रॉयल पंप तक और 6 नंबर से लेकर के यहाँ आरे डेयरी, जो पूरा ये जो दूध विकास का जो रोड है, ये आरे डेयरी का, इस पे काम बहुत जल्दी से जल्दी होने वाला है। ब्यूरो चीफ रवि कली के साथ, सपू सकीनी के साथ, कैमरामैन के साथ मैं सिराज मंसूरी।